कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक भाषण और अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए केदारनाथ आए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने शिवालय में ही शिवलिंग का दर्शन करते हैं और वहीं पूजा अर्चना भी करते हैं। तो वहीं बीजेपी ने पीएम मोदी के केदारनाथ यात्रा की तारीफ की है। प्रधानमंत्री जी जितने भी बड़े डेवलपमेंटल या जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो खुद उसको मॉनिटरिंग भी करते हैं, उसमें लगी हुई संस्थाओं के साथ बातचीत भी करते हैं और उसमें किसी भी तरह की देरी न हो इसके लिए वो काम करते हैं। और जिस तरह से वे बिना रुके हुए बिना थके हुए जिस जुनून और जज्बे के साथ मोदी जी काम करते हैं निश्चित तौर से वो सभी लोगों के लिए प्रेरणा का पात्र। अब कुछ लोगों की दिक्कत यह है कि कुछ लोग राहत पर भी आहत हो जाते हैं और कुछ लोग पूजा पे भी पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो ये उनकी अपनी समस्या है। प्रधानमंत्री जी तो वहाँ राजनीतिक भाषण के लिए आए हैं, उनको अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए आए हैं, दर्शन कम कर रहे हैं, केदार बाबा का नाम लेकर के अपने दर्शन ज्यादा लोगों को, यदि थोड़ी महंगाई और बढ़ा दी और लोगों का दर्द और ज्यादा गुस्सा फूट पड़ा तो वो वहीं समाधि लेकर के बैठ भी जाएंगे। सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केदारनाथ में सुना। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुरातन और नूतन दोनों का समावेश किया है,